Hey, good morning guys and welcome back to the channel. Welcome to VYP family. So guys, we are back and this is our day two of our trip. So we are in the roof terrace of our hotel, that is Comfort Pyramids Inn Hotel. So yahan se dekhiye, just mere piche dekhiye aap. So this is pyramids. Nahi dikh raha hai. Dikh raha hai? Haan, ab dikh raha hai. तो ये पिरामिड्स, दिस इज जस्ट पिरामिड्स बिलो, मतलब हमारे पीछे ही जस्ट पिरामिड्स है और हम यहाँ पे बैठ के अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर यहाँ से अभी जाएंगे अंदर. तो अभी ये हमारा मतलब ब्रेकफास्ट आ गया है. इट्स लुकिंग ऑसम. तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन इन द ग्रेट द पिरामिड्स ऑफ गिजा में. वेलकम, आप जुड़ जाइए चैनल के साथ. कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो वो वाला वीडियो आप देखिए ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा जो सीरीज़ वो आप देख पाए एंड ही विल गेट एन ऑसम फील. तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट और फटाफट चलते हैं गीजा पिरामिड्स में. स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ. चलेगा, शुरू करते हैं, लेट्स गो. हे गाइस, तो फाइनली वी आर ऑन द रोड्स. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से बहुत ही नज़दीक में है जो टिकट काउंटर है और एंट्री. कल मैं रात को निकला था तो मैं देख के आया हूँ. इट्स अराउंड 50 और 100 मीटर्स फ्रॉम आवर होटल. Hey guys, so finally we are in Egypt and welcome to the Great Pyramids of Egypt. Welcome to Great Pyramids of Giza. We are in Giza. So finally we are very very excited. और इतना excited है कि हम लोग बता नहीं सकते आपको. Just मेरे पीछे देखो आप. Oh my God, this is awesome. This is awesome. So this is the pyramid. So this is the big one, जो कि हमारे होटल से पूरा एकदम नज़दीक दिखता है. This is another one. शुक्रान भैया, शुक्रान. No need. And this is another one. Yes. Springs, the famous springs. Correct. Yes. तो यहाँ पे आप जितने सारे ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, these are all आपका small होम स्टेज एंड होटल्स है. तो हमारा भी वहाँ पे पीछे कहीं पे है जहाँ से पूरा आपका ये दिखता है. एक बार हम घूम के आते हैं फिर दिस इज़ द प्लेस वेयर द फोटोग्राफी शुड बी डन. सो गाइस, टिकट के बारे में मैं आपको बताता हूँ. सो यहाँ पे जो मेन पिरामिड के कैंपस पे अगर आप घूमना चाहते हैं तो दैट इज़ 240 इजिप्शियन पाउंड पर हेड. और अगर आप अंदर पिरामिड्स के अंदर जाना चाहते हैं सो दैट इज़ अनदर 440 इजिप्शियन पाउंड. सो 680 इजिप्शियन पाउंड पर पर्सन. ठीक है, तो हमने वही लिया कॉम्बो. और बाकी यहाँ पे गेट में ना अनबिलीवेबल बसाड़े भाई, इतने लोग हैं यहाँ पे. अंदर आने के बाद ही कैमल्स और कार्ड्स आपको भरा पड़ा मिल रहेगा यहाँ पे. वो कुछ भी बोलेंगे रेट्स, 300-200 इजिप्शियन पाउंड एक राउंड का. आप उस पर मत जाइए, आप पहले एक बार देख लो कौन कितना बोल रहा है, इसके बाद यू डिसाइड. ठीक है, नो नीड भैया. शुक्रान. शुक्रान. दिस इज कैमल राइड्स. कैमल राइड तो नहीं करेंगे भाई, मुश्किल है. तो यहाँ पे घूमने का एक और तरीका है. अगर आपको एकदम मेहनत नहीं करनी है तो आप जिस होटल में ठहरे हो वहीं से आप एक गाड़ी और एक गाइड ले लो. मतलब वो गाड़ी और गाइड एक साथ ही आता है, उसका कोई $50-60 रेट है. तो उसको लेके आप फिर आराम से, ये जो आपको गाड़ी दिख रही है यहाँ पे जाते हुए, आपको अंदर तक छोड़ेंगे. आप देखोगे, निकलोगे, फिर गाड़ी लेके आपको घुमाते रहेगा. तो उसमें वो फील नहीं, वो मज़ा नहीं आता. यहाँ पे अगर आप आए हो तो इट शुड बी लाइक वॉकिंग, द एक्सपीरियंस शुड बी बाई वॉकिंग. सो दैट्स वाई इवन विथ जोजो विल वॉक एंड एक्सप्लोर एंड लुक एट द व्यू गाइस. जितना हम नज़दीक जा रहे हैं इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर ऑसम, फैंटास्टिक. Stress when I'm with you.
यहाँ पे जो ये जो पत्थर है, दीज आर सो बिग, मतलब आप देख सकते हैं ये पत्थर, पता नहीं कैमरा में कितना समझ में आ रहा है, बट मेरा हाइट 6 फीट है, इज ऑलमोस्ट मेरे हाइट के बराबर है। तो आप समझिए, जब ये सब बनाया होगा तब ये जो पत्थर है ये सब कैसे ऊपर रखा होगा भाई, यही मैं सोच रहा था इतना देर से बैठ के, इज अनबिलीवेबल। तो इतने अमेजिंग है बोल के इसको वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट, जहाँ भी आप देखोगे ना यू विल बी मेस्मराइज्ड। और यहाँ से जो ये व्यू दिख रहा है दैट इज अनबिलीवेबल, कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स गाइज, सो अमेजिंग। और गाइज यहाँ पे एक और चीज़ है कि कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब बड़े कैमरे आपके पास अगर हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड, मतलब DSLR वगैरह अगर आप बड़े बड़े कैमरा लेके आते हैं वीडियोग्राफी करने के लिए, बट मोबाइल से आप आराम से फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो भी ले सकते हो। So guys, finally we are entering the Great Pyramids. गाइज अनबिलीवेबल, मैं नहीं जा पाया भाई, ऊपर में देख के ही मेरी तो लग गई, बस थोड़ा ऊपर से जाके मैं रिटर्न आ गया, इम्पॉसिबल। और अगर आपका हाइट ज़्यादा है ना तो आपके लिए तो और इम्पॉसिबल है, आप नहीं जा सकते, हो सकता है आप चले जाएगा, डेयरिंग है तो, अदरवाइज इतना झुक के ऐसे झुक के बैठ के जाना है कॉन्टिन्यूस, लाइक आर्मी ट्रेनिंग, नहीं हो पाएगा। मैं आधा जाके रिटर्न आ गया, देखो तुम जा पाओगी, ट्राई करके देखते हैं, देखो ट्राई करो, लेकिन इट्स टू डिफिकल्ट मैन, टू डिफिकल्ट, बहुत लोग रिटर्न आ रहे हैं नहीं कर पा रहे। चलो मैं अभी जोजो को लेता हूँ, जयिता विल गिव अ ट्राई, लेट्स सी इफ शी कैन डू इट। लोग बोल रहे हैं एक बार जाना बनता है, उसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लेकिन नहीं हो पाएगा, मैं आता जाके आ गया रिटर्न, नहीं हो कर पा रहा। चलिए जयिता योर टर्न नाउ, हम लोग अभी आ गए हैं हाफ वे, और हाफ वे बाकी है, यहाँ हाफ वे आकर आप रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इट्स टू स्टीप, यहाँ से आपको चढ़ना होता है। माय गॉड, तो हाफ वे तक आपको सर झुका के आना पड़ेगा, आफ्टर हाफ वे आप थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वॉक करके आप जा सकते हैं। चलिए तो चलते हैं। फ्रेंड्स अनदर हाफ वे डन,
हम लोग एक और माइलस्टोन बोल सकते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ से शायद थोड़ा सा टफ है हेड, देयर इज नो रूम फॉर हेड आई गेस। चलते हैं जाके देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। थैंक गॉड जोजो को लेके नहीं आए। और एयर का तो बहुत बुरा हाल है यार, यहाँ बिल्कुल एयर नहीं है, सफोकेटिव है बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा सा ही है, अराउंड 10 फीट। मिशन अकम्प्लिश्ड, हम लोग ऊपर चढ़ भी गए, देख भी दिया, तो गीजा पिरामिड डन, टिक हो गया है। एक और मेरा जो लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में, वो टिक। मैं तो नहीं जा पाया अंदर, इतना हाइट कम है ना, और इतना मतलब स्टीप है, इट्स डिफिकल्ट। इफ़ यू हैव द गट्स टू गो एंड इफ़ यू डोंट हैव द क्लॉस्ट्रोफोबिया तो आप जा सकते हो। मेरा थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया है इसलिए मैं नहीं जा पाया, तो मैं आधा रास्ते से घूम के चला आया हूँ। दिस इज द पिरामिड व्हिच इज़ खुफू। सो गाइस, जयिता अंदर से घूम के आ चुकी है, तो हम अभी पूछते हैं कि जयिता का एक्सपीरियंस कैसा है। वो पूरा अंदर तक गई थी और आपने अभी वीडियो में देख ही लिया होगा, तो उसने पूरा लास्ट जहाँ पे मम्मी रहते हैं, वो अभी तो वहाँ पे है नहीं, वो किंग्स का है, एम्प्टी कैफे है अभी, उसको वो इजिप्शियन म्यूजियम में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो हाँ। जब कायरो में जाएंगे तब आपको दिखाएंगे, तो अभी वो एम्प्टी है, लेकिन वहाँ तक लोग जा रहे हैं देखने के लिए, दैट इज द एंड पॉइंट। आप आराम से जा सकते हैं, उसके बाद लास्ट के 10 फीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी एम्प्टी कैफे है। मुझे जाने के बाद लगा कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ देखने को नहीं। ओवरऑल यू एंजॉयड? हाँ, एंजॉयमेंट तो था, क्योंकि सभी लोग जा रहे थे, सब एक दूसरे के पीछे, सब थक जा रहे थे बीच में, सब एक दूसरे का ये फोटो भी खींच रहे थे, एक दूसरे को चीयर अप कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। चलिए, मैं नहीं जा पाया लेकिन कोई तो गया, और आप लोगों को भी वीडियो दिखा दिया, ये सबसे बड़ा बात है, आप लोगों ने देख लिया। तो अभी चलिए यहाँ पे करते हैं हॉर्स राइड, वो कार्ट राइड करते हैं, और फिर कुछ खरीदते हैं यहाँ से मेमेंटोस, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स डू इट। Okay. This is only one time, not two time. Khufu is the biggest one. Yes, huh? The biggest one. Okay. स्मॉल पिरामिड। सो गाइस, यहाँ से जस्ट व्यू देखिए आप। सो ये टांगे वाले यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ से ना पूरा पैनारोमिक व्यू दिखता है, दैट इज़ अन मैसमराइजिंग व्यू। बहुत देर से हम लोग यहीं पे रुके हैं और यहीं पे हम लोग फोटो और रील्स और यही सब बना रहे हैं, और इवन भैया भी हमारे लिए फ़ोटो खींच रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ हिम। ये देखिए भैया का ये है, और भैया फ़ोटो ले रहे हैं हमारे लिए, वो बोल रहे कि ऐसे करो ऐसे करो, सो ही इज़ एन एक्सपर्ट, यू नो, इतना दिनों से है, तो बोले कि आप लोग बस खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो खींच दूँगा। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब मैं वो क्या बताऊँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, आप लोग अगर नहीं होते, आप लोग अगर ने अगर एंथू नहीं दिया होता, बहुत लोगों ने मैंने पूछा था कहाँ जाए, तो कमेंट में उन्होंने कुछ कुछ मेरे दोस्तों ने लिखा था कि आप गीज़ा जा सकते हो, पिरामिड्स देखने जा सकते हो, सो दैट्स व्हाई आई गॉट द एंथू कि यार इतना लोग अगर बोल रहे हैं तो चलो जाया जाए। और पिरामिड्स वॉज ऑलवेज ऑन आवर बकेट लिस्ट कि इसको देखना है, सो फाइनली वी डिड इट एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बस देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं अभी आगे और भी ऐसे मेस्मराइजिंग जगह और भी देख पाऊँ। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ बहुत सारी फोटोग्राफी कर ली हम लोगों ने, और आगे फिर
चलते हैं मेन गेट की तरफ। तो ये जो कार हॉर्स कार्ट है ये हम लोगों को पड़ा अराउंड 200 इजिप्शियन पाउंड का, 350 बोला था तो हमने थोड़ा बार्गेनिंग करके फाइनली 200 में हम लोगों ने किया। पूरा पिरामिड्स का एरिया दिखाएंगे, जो जो पॉइंट्स है सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ने लगा दिया गाना और बढ़िया मजा आ रहा है। Amazing guys, तो यहाँ पे आएंगे ना तो ये लोग थोड़ा अलग ही फ्रेंडली है। तो यहाँ पे गया ने गाना लगा दिया है, पीछे पिरामिड और यहाँ पे हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। गाइज फाइनली वी आर इन स्फिनिक्स। तो ये आप देख सकते हो सामने द ग्रेट स्फिनिक्स स्कल्पचर, और ये देखने से ऐसा लगता है ना कि दिस इज फेस ऑफ अ मैन बॉडी ऑफ अ लायन। या सो इट इज़ द फेस ऑफ अ मैन एंड द बॉडी ऑफ अ लायन बोलते हैं। और ये देखने से ऐसे लग रहा है कि ही इज गार्डिंग ऑल द 3 पिरामिड्स। ओके, there is some information for all of you, Khafre's Valley Temple, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हर एक स्कल्पचर इतना ब्यूटीफुल होता है ना, दूर से आपको सिर्फ पत्थर पत्थर लगेगा, लेकिन व्हेन यू कम नियर और अच्छे से आके सामने से देखोगे आप तो आपको अच्छे से दिखेगा कि हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज़।